और जो जितने भी जो दूसरी कंपनियां सोडा बनाती है, बड़ी से बड़ी कंपनियां, भारतीय और विदेशी कंपनियां, उनके सोडे में और मेरे सोडे में मैं ओपन जो चैलेंज देता हूं कि मेरे सोडे की टक्कर बराबरी नहीं ले सकता। तो ढक्कन जाता रॉकेट की तरह ही हूँ, बोतल जाती है रॉकेट की तरह ही हूँ, मतलब ये जाती है 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये हमारे सोडा ये कितने है, ये कैसे हैं आप सब, आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं अजमेर के दिल बहार छोड़ा चिकन जी के यहाँ पे इनका भैया से बात करने के लिए की जो कि रॉकेट शॉट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं, बिल्कुल वीडियो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं हमारे छोड़ा चिकन जी वाले भैया से जो कि बहुत फेमस राजस्थान का नंबर 1 छोड़ा। आइए करते हैं इनसे बात। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? ठीक। आपका नाम बताइए। किशन साहू। किशन साहू इनका नाम है। तो आपका जो छोड़ा चिकन जी जो बहुत फेमस है राजस्थान का नंबर 1 छोड़ा के नाम से जाना जाता है, तो मतलब ऐसा क्या स्पेशलिटी है, क्या खास बात है छोड़े में जो सबसे ज्यादा फेमस है? मेरी पूरी जीवन भर की मेहनत घुसी हुई है इस रात, पूरी जीवन भर की मेहनत घुसी हुई है इनके रास के अंदर। 28 साल हो गए इनको, मतलब शुरू से इन्होंने यही काम पे फोकस किया। तो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता आज राजस्थान का नंबर 1 छोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो भैया बहुत मेहनत करी इन लोगों ने, और ये अकेले नहीं, इनकी पूरी टीम इनके साथ में है, पूरी टीम इनके साथ में। टीम को मिला दीजिए, आ जाइए टीम वर्क जितने भी यहाँ पे, आ जाइए आ जाइए। और भी काफी लोग हैं गायब हो रखे हैं। तो ये देखो जो लंच टाइम हो गया अभी, जितने भी भैया लोग हैं ये इनको वर्कर नहीं मानते, इनको भाई की तरह मानते हैं और सारे मिलजुल के काम करते हैं। तो ये देखिए कैसे भैया फटाफट अपन मशीन में घुमा रहे हैं, इस पे सोडा बन रहा है, और इनका स्काई शॉट भी हम जरूर देखेंगे अभी बाद में आते हैं स्काई शॉट से। तो भैया इसमें आपकी क्या खास बात है कि लोग बात खींचे लगाते हैं आपके? और जो जितने भी जो दूसरी कंपनियां सोडा बनाती है, बड़ी से बड़ी कंपनियां, भारतीय और विदेशी कंपनियां, उनके सोडे में और मेरे सोडे में मैं ओपन जो चैलेंज देता हूँ कि मेरे सोडे की टक्कर बराबरी नहीं ले सकता। इसलिए मैं हर वीडियो में ओपन चैलेंज करता हूँ कि सारे सोडों का बाप दिल बहार सोडा। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा है, हम लोगों ने अभी तक नहीं खपिया है, पर आज हम पी करके देखेंगे वाकई में जो लोग बोलते हैं कि सही में सोडा एक नंबर है। ये देखिए हमारे सोडा ये कितने है, ये इतना स्ट्रॉन्ग सोडा, दिल बहार सोडा है। तो चलिए यही इनकी खास बात है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सोडा है, इसीलिए लोग बाग यहाँ पे खींचे चले आते हैं। यहाँ पे जितनी बसें आती है पहले बोलते हैं कि नहीं हमको यहाँ रोको, हम के सोडा पीना है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो सच में बहुत खास बात है सोडा में, आज हम भी पी के देखेंगे कैसा सोडा है यहाँ का। क्यों भैया हमको पिलाओगे? जरूर पिलाओगे, जरूर जॉनी पिलाएंगे, जी भर के पिलाएंगे, दिल खोल के पिलाएंगे, अनलिमिटेड पिलाएंगे। और ये ना इनके साथ भी सारे बराबर देखो सोडा, हमारी लोकेशन लिखिए सर, 9 नंबर पेट्रोल पंप नसीराबाद रोड अजमेर, ये लोकेशन है हमारी। हमारा टाइम टेबल है सुबह 10 से रात की 11:30 बजे तक, आपको यहाँ पर 12 महीने सोडा मिलेगा। कलरफुल आइटम मेरे यहाँ किसी प्रकार के नहीं मिलते हैं, जो मुझे बिल्कुल नापसंद है, जो अपनों बच्चों के लिए और आप सभी के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसा कोई भी मैं फ्लेवर मैं मेरे यहाँ दिल बहार सोडा सिकंजी में काम में नहीं लेता हूँ। मतलब बिल्कुल सादा, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल है, कोई में फ्लेवर नहीं है, शक्कर, पानी बस। तो भैया यही का सब सब दीवाने, इसलिए दीवाने हैं इनके सोडे के, सादा सा मतलब अच्छा और बढ़िया, तो फुल मतलब अच्छे से यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। तो चलिए अब जब नींबू का रस जो निकालते हो वो कैसे निकालते हो मशीन हमको दिखाइए एक बार। तो जी हम लोग आ रहे हैं जिसमें नींबू का रस निकलता है मशीन, इतनी बड़ी मशीन इसमें नींबू का रस निकल रहा है। तो आइए दिखाते हैं वो मशीन आपको, ये देखो ये भैया यहाँ बैठे हैं, इतने सारे नींबू है और नींबू का रस निकल रहा है। यहाँ पे नीचे बाल्टी रखी हुई है, सब पूरा नींबू का रस निकल रहा है देखिए, और पूरा वेस्ट मटेरियल जो उसका रस निकल जाता है, वेस्ट चीज नहीं डालते
रहे हैं इसके अंदर ये लोग। भैया एक बार बाल्टी का दिखा दो क्या जूस एक बार। तो भैया बाल्टी का दिखा रहे हैं कि देखो किस तरह जूस है, इसे बाल्टी दिखा बस ताकि ठंडा ठंडा जूस मिले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भर भर के नींबू रखे हुए 400-500 किलो यहाँ पे तो नींबू रखे हुए, और देखो नींबू बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से भी कोई गले सड़े हुए नींबू नहीं है, बिल्कुल फ्रेश नींबू यूज भी लेते हैं ये। तो इतनी क्वांटिटी में ये तो कुछ भी नहीं है, और भी काफी माल अंदर अभी रखा हुआ है। तो भैया आप इनको देख के आप पता सकते हो कि नींबू की क्वालिटी क्या होगी और कितना अच्छा सिकंजन सिकंजी की बनती है। ये देखिए अभी नींबू बिल्कुल साफ पानी से धोएंगे, वॉशिंग होगा अच्छी तरह से, बिल्कुल जो भी इसमें कोई एक आध पीस जो खराब होगा उनको बिल्कुल हटा देंगे। उसके बाद सारे नींबू को हल्का सा पीस कट के सब मशीन में जाएंगे, मशीन में रख जाके सीधा ये पैकिंग काउंटर पे जाएंगे, पैकिंग काउंटर पे सारी सिकंजियाँ पार्सल होगी और सारी सिकंजियाँ पार्सल अलग अलग जगह अलग अलग जिलों अलग अलग गाँव में जाएंगे। ऑनलाइन सुविधा भी हमारे ऑनलाइन जोमेटो स्विगी और जो भी जितनी भी ऐप है। जिस तरह की क्वालिटी आपको दिख रही है यहाँ पे कम से कम भी 100-200 किलो है, और मैं बोरियों को 400-500 बाकी माल तो पूरा अंदर रखा हुआ है। तो अंदर अगर हम नहीं आ सकते अंदर, तो यहाँ देखिए कम से कम भी 100-200 किलो नींबू यहाँ पे रखे हुए हैं और बिल्कुल फ्रेश नींबू है यहाँ पे। भैया उनको बुलाओ, ये मोबाइल लोड चाहिए उसमें, कुछ चाहिए इसमें आएंगे, कुछ चाहिए उसमें आएंगे। ये चला ना दो फोन चलाएगा आप, फिर चलाओगे दो। मतलब हमारे बंदे हमारे भाई लोग इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग सोडा भरते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग सोडा भरते हैं कि कभी कभार जैसे मैं यहाँ से टंकी में से बोतल निकाल के यूँ खोलता हूँ ना, तो ढक्कन जाता रॉकेट की तरह, यूँ बोतल जाती है रॉकेट की तरह, मतलब ये जाती है 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा, इतना स्ट्रॉन्ग सोडा होता है। इतना स्ट्रॉन्ग सोडा है कि हमने खुद नहीं देखा कि कितनी दूर वो जाके बोतल गिरी थी। तो हमारे अजमेर में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो पुष्कर राज तीर्थ नगरी, एक ख्वाजा मंदिर की चिश्ती की दरगाह, और तीसरा है दिलबहार सोडा जो रॉकेट सोडा के नाम से जाना है, राजस्थान का नंबर 1 सोडा। तो जिसने भी अभी तक नहीं पिया है तो फटाफट आकर के यहाँ पे आइए, पीजिए और मजे लगिए सोडे के। तो चलिए हम भी पीते रहे, मजे लेते रहे सोडे के। पर स्ट्रॉन्ग नहीं पीना हमें, बड़ा लाइट सोडा पीना है भैया, लाइट सोडा। भैया आइए सर, दीदी इधर खड़ी, बच्चों हटो, मैडम मैम मैम
सही में लाजवाब है, मतलब जो सुना है वो सच में है कि भैया नंबर वन सोडा है यार, सच में गजब शानदार बहुत अच्छा। भैया आओ दिल्ली में आओ, दीपू आओ, ये तो इसकी बोतल लेके खड़ा है। आते सांस आ रही है आपको? जैसे स्कूल छुट्टी हो चुकी है तो यहाँ पे रश बड़ा शुरू हो गया, देखो बच्चे भी यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, यहाँ पे सबको जूस पीना है, तो गर्मी इतनी है कि सोडे बगैर कोई रह नहीं सकता, तो सब लोग सोडा पीने के लिए आए हैं। जब जाओ तब देख सकते कि भीड़ आना, ये देखिए यहाँ पे नींबू पत्ते खुल चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश नींबू पीलोगे? हाँ अरे डालो। कितना पीलोगे? अरे आप डालो। आप ले। भैया आए बाहर से बहुत सोच समझ के कि नौ नंबर जाते ही मेरे को दो लोटे तीन लोटे पांच लोटे सोडे पीने हैं। मैंने कहा यार बहुत है। अरे सर अभी क्या हुआ? हम तो सोचते थे चार पांच ग्लास होंगे, हार गए आप तो। तो चलिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से इनका सोडा इतना फेमस है। तो आपको ही मालूम चल गया होगा कि किस तरीके से इनका सोडा इतना फेमस है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आएंगे जरूर आपके पास सोडा पीने के लिए, और लोगों के भेजेंगे आपके पास सोडा पीने के लिए। वैसे भी बहुत कोई कमी नहीं है भैया। भगवान का शासन हाथ है इनके ऊपर।